हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पजल मेनिया बितंकुर में। अभी कुछ दिनों पहले दो बैक टू बैक गुड न्यूज हमें देखने को मिली थी, एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, एक पीएनबी की तरफ से, जहां आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क में वैकेंसीज इंक्रीज हुई थी। और देखा जाए तो अभी भी कुछ दिन बाकी हैं आईबीपीएस के फाइनल रिजल्ट में, तो क्या 1 अप्रैल के पहले हम और वैकेंसीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब सीन क्या है कि मार्च का महीना चल रहा है और कुछ ही दिन रह गए हैं आईबीपीएस के फाइनल रिजल्ट में, तो बैंकों को अपनी अपनी जो फाइनल वैकेंसीज हैं वो भी रिपोर्ट करनी है कि आईबीपीएस पीओ में क्या फाइनल वैकेंसीज रहेंगी, आईबीपीएस क्लर्क में क्या फाइनल वैकेंसीज रहेंगी। और काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आरटीआई भी लगाई है वैकेंसीज के रिगार्डिंग, तो आने वाले दिनों में हमें जो आरटीआई देखने को मिलेगी तो काफी सारे बैंकों की आरटीआई में जो वैकेंसीज का अंतर है बिल्कुल देखने को मिल सकता है, मतलब कि इंक्रीज वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं, काफी ज्यादा हाई चांसेस हैं। और जितनी ज्यादा वैकेंसीज इंक्रीज होंगी उतने ही ज्यादा स्टूडेंट्स को सिलेक्शन भी मिलेगा, तो इंतजार रहेगा कि 1 अप्रैल के पहले ज्यादा से ज्यादा गुड न्यूज वैकेंसीज के रिगार्डिंग देखने को मिले। बाकी एक बार आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपके अकॉर्डिंग आईबीपीएस पीओ और क्लर्क में एक्सपेक्टेड फाइनल वैकेंसीज क्या हो सकती हैं और आपको किस फाइनल रिजल्ट का इंतजार है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।